अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेल, अब अनस ने अपना एहराम बांध लिया है यहाँ से इंशाल्लाह। एंड टुडे इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ, ऑफ आर लाइफ, क्योंकि आज हम हज के लिए रवाना हो रहे हैं। एंड दिस इज़ आर सलातुल सफ़र दैट वी आर प्रेइंग। जाने से पहले अल्लाह खैर आफियत के साथ हमें पहुँचा दे। सो यस, तबीयत का ख्याल रखना, आपकी वक्त पे खाना खाना ऐसे ही अच्छा, दवाई वगैरह अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत दे, ठीक है अम्मा? बराबर तबीयत का ख्याल रखना। चलो अस्सलाम वालेकुम, जा रहे हम, दुआ करो, ठीक है, चलो बाय। चलो ओके, तो लास्ट मिनट कॉल हो रहा है। شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا सारे माशाल्लाह से हाजी है। एंड अल्लाह हम सबका हज कबूल करे। माशाल्लाह हज पे जा रही हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बरकत से अल्लाह ले जा रहा है आपको। आप खुद अल्लाह से मांगने वाली थी, आप तो यहीं से आपने आंसू बहाना शुरू कर दिया। वहाँ भी बहुत मांगना है, अभी तो पहले जाके अल्लाह के घर में मांगना है, बैतुल्लाह में मांगना है, उसके बाद मीना अरफात में खूब मांगना है। आप तो यहीं से रो रही हो अल्लाह की बंदी, लोग अभी मिलने वाले आपको देख के फिर और रोएंगे। अल्लाह मुबारक करे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन नअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कंसीडरिंग अभी हमारी फ्लाइट 2 घंटे के बाद है, सो आई जस्ट गो टू ईट समथिंग सो दैट वी कैन स्लीप इन द फ्लाइट। एंड या तो अब हम फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं। एंड जैसे कि आप देख रहे हो, बस हम लाउंज से बाहर आए एंड माशाल्लाह से हमारे प्यारे प्यारे हाजी ऑलरेडी लाइन में है, क्यू में है टू गो इनसाइड। माशाल्लाह यहाँ पे ये सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा है, आई डोंट नो वहाँ जाके क्या फीलिंग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सो 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 ग्रेटफुल, अल्लाह सबको बुलाए, बार बार बुलाए अपने घर। सारे हाजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ऑब्वियसली, बिकॉज ओके यहाँ से प्लेन आपको छोटा सा दिख रहा होगा, काफ़ी लंबी क्यू है माशाल्लाह से। अब कितने प्यारे लग रहे हैं, ओह माय गॉड। फ्लाइट में जाने की एक्साइटमेंट ही कुछ और है।
मैं तो बस चाहती हूँ कि बस अंदर जाऊँ और फॉरेन लैंड हो जाऊँ. एंड यस आई एम गोना कीप अपडेटिंग यू गाइस अबाउट एवरीथिंग. ये मेरा भी पहला हज है तो मैं इतना कुछ नहीं जानती हूँ. ओके ओ माय गॉड. तो ये पूरी फ्लाइट आई एम श्योर हाजियों से पैक्ड है एंड ऑल यू कैन सी इज हाजी एवरीवेयर. माशाल्लाह अल्लाह हम सबको एक दूसरे की बरकतें यहाँ दे. और दिस इज अमेजिंग. माशाल्लाह 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 सच एन अमेजिंग फीलिंग. तो अनस ने बड़ा बैग रखा है तो मैं छोटे बैग्स रखूँगी बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि सारे सवाब यही ले जाए काम करने के. तो मैं छोटे छोटे बैग रख के इनका सवाब ले लेती हूँ ताकि इन्हें थोड़ा आराम मिले. फोना पकड़ लोगे ना विंडो सीट मेरी एक्सक्यूज मी. शौहर से आप ये सब करवा सकते हो. जज़ाकअल्लाह थैंक यू. ओके तो अनस बहुत ज़्यादा अपसेट है बिकॉज खजूर का इनको स्मूदी नहीं मिला. खैर अब लेकिन मैं तलाश करूँगा मक्के जाते ही उतरते ही किसी को भी कहूँगा ये जूस ला के देंगे. जी इंशाल्लाह. तो हम पूरी रात सोए नहीं है बहुत थोड़ा बहुत सोए जागे सोए सो वेरी टायर्ड. मैंने तो खा लिया एयरपोर्ट के लाउंज पे. I'm gonna have my cover now और मैं सो जाऊँगी बिकॉज जाते बराबर हमें यू नो उमरा के लिए जाना है तो मैं नहीं चाहती कि मैं थक जाऊँ. अनस आप खाना खाने वाले हो? तो अनस अपना खाना खाएंगे. मैं तो अपना भी कंबल उड़ के सो जाने वाली हूँ बिकॉज मैं फुल एनर्जी के साथ यू नो मक्का में उतरना चाहती हूँ लैंड होना चाहती हूँ एंड हरम में जाना चाहती हूँ. एंड यू नो बिकॉज आई नो कि अभी इतने सारे लोग ऑलरेडी वहाँ पे हैं तो जाहिर सी बात है कि हरम इज़ गोना बी पैक्ड एंड काफ़ी लोग उमरा कर रहे होंगे. सो यस आई एम गोना मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड इंशाल्लाह आज अल्लाह ने चाहा तो दिन ख़त्म होने से पहले हमारा उमरा हो जाएगा. फ्लाइट से बाहर आ गए हैं. पूरी फ्लाइट ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है एंड अब हम लगेज लेने जा रहे हैं. तो यहाँ पे अब हमारी ट्रेन आएगी जिसे आने में अब 3 मिनट है एंड देन हम यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचेंगे जहाँ से हम अपने बैग्स लेंगे. بجايتكم الله يحييكم شرفتونا وسعيدين بيكم واسال الله ان يتقبل حجكم وعملكم كامل كامل باذن الله واحنا هنا في خدمتكم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج وان شاء الله حج موفق باذن الله عز وجل. احنا تحت خدمته في جنوب اسيا. الله يعافيك. This is the beautiful lounge, VIP lounge. And here we are heading. Please. मुलाकात होती है. तो अब हम बैठ गए हैं. जज़ाकअल्लाह माय सिस्टर थैंक यू. व्हिच कलर इज फेवरेट? ओह आई लव द येलो वन. आई लव्ड इट. व्हिच कलर? जज़ाकअल्लाह सच ब्यूटीफुल हदियाज दैट दे हैव फॉर ऑल द हाजीज. ओके सो आई एम गोना पिक माय one bag. Thank you. Mashallah.
So he's our brother from India, Mumbai. पहले ही हमारे मुंबई के साथी मिल गए, इनको देखकर दिल खुश हो गया, ये हम मक्का लेकर जाएंगे. माशाल्लाह. तो अभी हम एयरपोर्ट पे हैं और ये भाई हमें ले जाएंगे मक्का. So it's gonna be an amazing journey. It's always amazing कि आप अपने वतन के लोगों को जब मिलते हो तो एक अलग खुशी होती है. तो ये चेक पॉइंट है और यहाँ से हम जिद्दा से माशाल्लाह से मक्का में दाखिल हो रहे हैं और ये लोग देख रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर वीज़ा पेपर सब कुछ है कि नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई हज करना चाहता है एंड पीपल वांट टू गेट इन एनी हाउस. यहाँ पे पूरा चेक होता है कि आपका हज का वीज़ा है या नहीं एंड आपकी पूरी आइडेंटिटी यहाँ पे एक बार रीचेक होती है इस चेक पॉइंट से अंदर जाने से पहले. सो यस, ये जो एम दिखाई दे रहा है ये मक्का की हुदूद है और यहाँ से हम मक्का में दाखिल हो जाते हैं, हम उसके हुदूद में आ जाते हैं. तो ये है वो पॉइंट. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. ये देखें, ये जो कमान बनी हुई है, यहाँ सुलह हुदैबिया हुई थी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रुके थे और यहीं सुलह हुदैबिया इसी जगह पे हुई थी. बहुत मशहूर मौका है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमरा करने से रोका गया था और ये इसी तरह रोक कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराह की थी और उसके बाद जाकर सूरह फतह नाजिल हुई है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल उमरा नहीं किया है, उसके बाद आइंदा साल तशरीफ लाए हैं. तो ये मकाम है. तो बस अब हम हमारे रूम पहुंच गए हैं एंड द जर्नी वाज अमेजिंग. बहुत सारी चीज़ें हैं और जो मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द अपडेट करूंगी. अब फिलहाल हम बस यहाँ पे डिनर लेंगे एंड इंशाल्लाह विल हेड फॉर आवर उमरा. सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई रियली रियली होप दैट यू एंजॉयड दिस व्लॉग और ये जो हमारी जर्नी है यहाँ पहुँचने की आपने इंजॉय किया. एंड यस, आई सी यू सून विद अदर डिटेल्स. एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है फिलहाल. हरम आई जस्ट सॉ इस पैक्ड, ऐसा लग रहा है मैं रमज़ान में वापस आ गई हूँ. ऑब्वियसली हज इज़ वे बिगर इवेंट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज माई फर्स्ट हज. तो इंशाल्लाह आई एम गोना कीप यू गाइस अपडेटेड. अस्सलाम वालेकुम.